जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका भास्कर अष्ट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हाई वोल्टेज मैच के बारे में, जो होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। एशिया कप 2023 का जो टूर्नामेंट है उसमें भारत पाकिस्तान का ये मैच 2 सितंबर 2023 शनिवार के दिन ये खेला जाएगा, और ये मैच होगा पल्लेकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी में, श्रीलंका में। ये जो मैच है ये शुरू होगा भारतीय समय के अनुसार अगर हम देखें तो दोपहर को 3 बजे ये मैच शुरू होगा। अब उसके लिए ये रीडिंग है कि उसमें क्या चांसेस हैं, कौन सी टीम कैसा परफॉर्म करेगी, कैसा प्रदर्शन करेगी, किसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। और यहाँ पर जो दिख रहा है कि थोड़ा सा मुझे मैसेज आया था, कई लोगों ने कमेंट भी किया था पिछले वीडियो पे कि बारिश का के भी चांसेस हैं, तो एक वो भी मैंने फैक्टर यहाँ पर चेक किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर दूं कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो और भी बाकी मैचेस हैं उसके लिए शॉर्ट्स इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगे, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन में जब भी वो कोई वीडियो शॉर्ट अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा और दूसरी चीज आपको बेल आइकॉन को प्रेस करना होगा। तो जब आप बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो शुरू करते हैं ये रीडिंग। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पर दे दूं कि मेरी इस प्रेडिक्शन के बेस पर आप किसी भी प्रकार से पैसों को कहीं इन्वेस्ट ना करें, जुए सट्टे लॉटरी शेयर वगैरह में। अगर आप उसके बावजूद भी करते हैं तो फिर उसके रिस्पॉन्सिबल खुद आप ही हैं। हम या चैनल, मैं या चैनल भास्कर यूट्यूब चैनल किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। अगर आपका जो भी लॉस हो प्रॉफिट हो आप खुद उसके रिस्पॉन्सिबल है। पहली बात तो आपको करना ही नहीं चाहिए ये चीज। देखिए, भारत और पाकिस्तान का मैच है और कई सारे लोगों की एक तरह से क्यूरियोसिटी रहती है बहुत पाकिस्तान के साथ। जब यदा कदाई मैच होता है और जब होता है तो कई लोग वो मैच देखने के लिए जुड़ जाते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, बस उसी के लिए हम ये रीडिंग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, भारत की जो कप्तानी करेंगे जो आज की डेट तक अभी तक है वो है रोहित शर्मा, और वही कप्तानी करेंगे एशिया कप के लिए। उनको ही कप्तान चुना गया है, रेगुलर कैप्टन जो है वो ही है ODI टीम के। और पाकिस्तान की बात करें तो बाबर आजम है। तो सबसे पहले हम रोहित शर्मा और बाबर आजम के कार्ड यहाँ पर देखते हैं। रोहित शर्मा के लिए जो कार्ड आया है वो आया है एस ऑफ फैंड्स कार्ड, ये कार्ड आया है रोहित शर्मा के लिए। और 9 ऑफ कप्स ये कार्ड आया है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के लिए। अब यहाँ पर वैसे तो दोनों ही कप्तानों का दिन अच्छा दिख रहा है, बट कंपैरेटिवली रोहित शर्मा थोड़ा सा एक 19-20 का जो अगर फर्क है तो रोहित शर्मा का दिन यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। और अगर कंपैरेटिवली पाकिस्तान का देखें तो बाबर आजम का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ठीक रहेगा, दिन उनके लिए ठीक ठाक रहेगा, लेकिन कंपैरेटिवली रोहित शर्मा का पलड़ा यहाँ पर ज्यादा भारी नजर आता है अगर दोनों कप्तानों की तुलना करें तो। ऐसी भी चांसेस ज्यादा हैं कि टॉस जो भी हो, अगर भारत जीते या पाकिस्तान जीते, लेकिन बैटिंग भारत पहले करें, बल्लेबाजी भारत पहले करें, या तो रोहित शर्मा को टॉस जीत के निर्णय लें या फिर बाबर आजम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लें, भारत को बैटिंग करने का बोलें। अब देखिए यहाँ पर पहले हम भारत की बात करते हैं। तो भारत के लिए जो कार्ड आए हैं यहाँ पर 3 कार्ड हैं, एक है 4 ऑफ कप्स ये कार्ड है 4 ऑफ कप्स, इसके अलावा जो कार्ड है दूसरा वो है 3 ऑफ वैंड्स, ये कार्ड भी आया है भारत के लिए, और इसके अलावा 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, क्यों वो मैं आगे बताऊंगा, ये कार्ड आए हैं। तो ये कार्ड आए हैं भारत के लिए। पहले भारत की हम बात कर लेते हैं। तो भारत की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो भारत की जो बैटिंग
ठीक रहेगी, मतलब जैसा उनको करना चाहिए, जिस तरह जिस क्वालिटी का बैट्समैन भारत की क्रिकेट टीम में है, उस लेवल की बैटिंग हम एक्सपेक्ट भी करते हैं जो हाई वोल्टेज मैच होता है, जैसे बड़ी टीम खासकर पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन वो उस तरह की बैटिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी रहेगी, अच्छी रहेगी लेकिन फिर भी हो सकता है कि स्कोर अच्छा हो लेकिन फिर भी कहीं कि यार 25-30 रन और कम पड़ गए, या 25-30 रन और बन सकते थे लेकिन वो बनाए नहीं, या फिर हो सकता है कि पाकिस्तान के जो फील्डर्स हैं वो भारत को के बल्लेबाजों को मौका दे, कुछ के छोटे ड्रॉप और रन आउट चांस मिस हो और भारत उस मौके को भुना नहीं पाए, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। अब अगर बॉलिंग की बात करें तो भारत की बॉलिंग ठीक रहेगी, यहाँ पर ये जो थ्री ऑफ एंड्स कार्ड है ये बताता है कि भारत की जो बॉलिंग है वो अच्छी रहेगी, और खास करके शमी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, शमी की बॉलिंग, और अगर शार्दुल ठाकुर खेलते हैं तो वो भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओवरऑल जो प्रदर्शन है भारत का सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, मतलब बहुत अच्छा जैसा होना चाहिए, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वन साइडेड, अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो तो मैच वन साइडेड हो जाता है कम्प्लीटली, तो लेकिन वो यहाँ पर होता नहीं दिख रहा है, क्यों? तो अब बात करते हैं इस कार्ड की, पाकिस्तान के जो कार्ड हैं वो हैं टू ऑफ कप्स पहला, दूसरा जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ सॉट्स कार्ड, और तीसरा जो कार्ड पाकिस्तान के लिए आया है वो है नाइन ऑफ हैंड्स कार्ड। शायद आपको कार्ड प्रॉपर यहाँ से विजिबल हो रहा है नहीं, मैं पता नहीं, जब वीडियो की रिकॉर्डिंग में देखूंगा तो फिर मैं जान पाऊंगा, लेकिन होपफुली आपको कार्ड प्रॉपर विजिबल हो रहा है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स और नाइन ऑफ हैंड्स। बैटिंग की अगर बात करें पाकिस्तान के प्रदर्शन की, तो यहाँ पर एक अच्छी पार्टनरशिप बैटिंग में पाकिस्तान की तरफ से होती हुई दिख रही है। पार्टनरशिप कैसी, जैसे अभी अभी देखिए, अभी 30 अगस्त अभी है और 7:40 पर ही मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी एग्जैक्ट टाइम 7:41 हुआ है। तो आज जैसे हमने नेपाल के खिलाफ, पाकिस्तान अभी खेल रही है, मैच चल रहा है, आज हमने अच्छी पार्टनरशिप देखी 200+ रन की बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद के बीच में, तो वैसी एक बड़ी पार्टनरशिप या एक अच्छी हेल्दी, वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 150-200 रन की पार्टनरशिप होगी, लेकिन एक हेल्दी पार्टनरशिप, हेल्दी पार्टनरशिप से मेरा मतलब है कि एक मच नीडेड पार्टनरशिप या एक अच्छी पार्टनरशिप 80 रन की, 100 रन की भी हो सकती है, रन फिक्स, ऐसा नहीं है कि बाकी, हाँ एक अच्छी थोड़ी बड़ी, मतलब एक रेप्यूटेड पार्टनरशिप जो मैच में पाकिस्तान को थोड़ा सा मजबूत कर सके, इस तरह की पार्टनरशिप होती दिख रही है। और बॉलिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर खास करके शाहिन शाह अफरीदी, या जो एक्चुअली देखिए मुझे ये नहीं पता है कि लेफ्ट हैंड से कौन बॉलिंग करता है पाकिस्तान की टीम में, लेकिन जो लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करते हैं तो उनका प्रदर्शन यहाँ पर अच्छा रहेगा, जब पाकिस्तान को विकेट की जरूरत होगी मैच में तब वो विकेट निकाल के देंगे, अब चाहे वो बॉलिंग से हो या फिर जो लेफ्ट हैंडर्स हैं पाकिस्तान की टीम के प्लेयर जो उस दिन खेलने उतरेंगे तो वो लेफ्ट हैंड से रन आउट करें और रन आउट हो, थ्रो लगे प्रॉपर। तो यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग में टफ कंपटीशन है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस देखिए, अब यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग लेकिन फील्डिंग यहाँ पर उतनी ही इम्पोर्टेंट है, जो आज भी हमने देखा कि नेपाल की टीम ने बहुत अच्छी भी फील्डिंग करी है और बहुत खराब भी करी है, अच्छी इसलिए क्योंकि उन्होंने 2 रन आउट किए और बहुत अच्छे रन आउट किए, दोनों मेन बैट्समैन को उन्होंने आउट किया, लेकिन कई सारे ऐसे मौके आए जब उन्होंने 1 रन था 2 रन था तो बाउंड्री दी, उन्होंने लगभग 25-30 रन उन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं पाकिस्तान को, तो इस तरह से फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और खास करके जब टीम दोनों बड़ी टक्कर की हो तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में भारत आगे निकलती हुई यहाँ पर दिख रही है पाकिस्तान से। अब हम अगर बात करें कि मैच का रिजल्ट,
देखिए उसके लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटेकल्स, ये कार्ड भारत के लिए है, और द इम्प्रेस कार्ड ये पाकिस्तान के लिए है। तो यहाँ पर बहुत कड़ी टक्कर, बहुत कांटे का मुकाबला अगर बारिश नहीं होती है तो। अगर बारिश होती है, ओवर्स कम होंगे तो भी ये रीडिंग लागू होगी, लेकिन अगर मैच में डीएल फॉर्मूला का यूज होता है, डीएल मेथड का यूज होता है, तो फिर उस केस में रीडिंग का कुछ पोर्शन वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम, हाँ, अगर डीएल मेथड लागू होती है और दोनों टीम प्रॉपर बराबर बराबर और दोनों को खेलने को मिलते हैं तो भी ये रीडिंग लागू होगी, लेकिन थोड़ा सा वहां पर एक डाउटफुल केस रहेगा, वो मैं बारिश की भी बात करूंगा। तो यहाँ पर पहले बारिश की बात कर लेते हैं। चलिए, बारिश होगी क्या, मैच रुकेगा क्या, या फिर क्या मैच पूरा ही नहीं हो पाएगा? तो देखिए, बारिश के चांसेस तो यहाँ पर है, और हो सकता है कि थोड़ा कुछ मैच हो और फिर बारिश आ जाए, तो बारिश के चांसेस तो यहाँ पर है, लेकिन मैच होगा, मतलब पूरा होगा, शुरुआत होगी, टॉस भी होगा या कुछ ओवर हमको देखने को मिले, या फिर डीएल मैचेस से उसका हो, लेकिन बारिश यहाँ पर उस दिन होगी, ये बात तय है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो भी पर्सनल कंसल्टेशन हमसे जो लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा नंबर है 9174488360। इस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करें और आपका नाम लिखिए, जो भी आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो एक लाइन लिखिए उसमें कि मुझे कंसल्टेशन लेना है, आप व्हाट्सएप पे ये लिख के मैसेज कर दीजिए, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आएगा हमारी तरफ से। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा जो भी आपके थॉट हों, शब्दों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, शब्दों की भी मर्यादा होती है तो उसका भी ख्याल रखिएगा। और इस रीडिंग का पर्पस मेरा ये नहीं है कि किसी का दिल दुखाना, क्यूरियोसिटी रहती है भारत पाकिस्तान, मैं भी क्रिकेट का फैन हूँ तो एक अगर देखूँ तो काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है, और उस पर्पस ये रीडिंग की है मैंने। फाइनली बात करें रिजल्ट की, तो यहाँ पर ये जो मैच है अगर प्रॉपर होता है पूरा, तो भारत जो है इस मैच को जीत सकता है। कितना, देखिए यहाँ पर 60% चांस भारत के जीतने के हैं और 40% चांस पाकिस्तान के जीतने के हैं। फिर भी मैच बहुत कांटे का होगा, टक्कर वाला होगा मैच। भारत को अपनी बैटिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं बॉलिंग पर भी, लेकिन बैटिंग खास करके। और पाकिस्तान के लिए मैं कहूँगा उनको थोड़ा सा फील्डिंग में ध्यान देने के लिए, तो बैटिंग तो उनकी अच्छी है ही, आज भी हमने देखा, और कहीं ना कहीं बॉलिंग में भी उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो स्पिनर है शायद उनको, जो लेफ्ट हैंड से बॉल करते हैं उनके लिए दिन अच्छा है, पाकिस्तान के बॉलर की मैं बात करूं तो। ओवरऑल जो है भारत और पाकिस्तान कौन ये मैच जीतेगा, तो 60% चांस भारत के यहाँ पर है ये मैच जीतने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। आपके थॉट्स हमें ज़रूर बताएं, आपको क्या लगता है भारत ये मैच जीतेगा, पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।